क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 mile NH 31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा, अटैच अंडरग्राउंड कमरे ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल, पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के तहत चलाया गया जागरूकता अभियान। वैश्विक महामारी कोरोना फिर से अपना पांव धीरे धीरे पसारना शुरू कर दिया है। फिर से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए उसकी गाइडलाइंस को पालन करना ही हम लोगों के बीच मात्र एक विकल्प है। इसी बाबत आज कोविड वैक्सीनेशन जागरूकता प्रोग्राम के तहत इसाक चक वृंदावन कॉम्प्लेक्स में ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक चंदन कुमार, बिहार एवं बंगाल के जोनल हेड तन्मय मिस्त्री ने की। इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान के तहत सबों को बताया गया कि जो व्यक्ति वैक्सीन नहीं लिए हैं वो जल्दी से जल्दी ले लें, और साथ ही मास्क का वितरण किया गया और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित चंदन कुमार राठौर, एरिया मैनेजर, जोनल हेड अमन कुमार, आनंद ब्रांच मैनेजर पीके मिश्रा, ब्रांच मैनेजर आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में पूजा कुमारी, वीणा देवी आदि ने अपना योगदान दिया। अरेंज किया है, यहाँ पे सब मोहल्ला से दूर दूर से रिमोट एरिया से सब फैमिली से लोग जो आए हैं, और ये लोगों को कोविड के दौरान में अवेयरनेस दिया गया। क्या अवेयरनेस दिया, क्या करना है, डूज एंड डोंट्स क्या करना है, दो गज दूरी रखना है, मास्क पहनना जरूरी है, और ये जो वैक्सीनेशन जरूरी है गवर्नमेंट की तरफ से, ये दो वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड कर दिया है, और अभी जो जो वैक्सीन नहीं लिया उसको लेने के लिए हम लोग इंस्पायर कर रहा है, और इसका बताया गया है हम लोग जैसा ये लोगों को इंस्पायर कर रहा है, ये घर में जाकर मोहल्ला में एक एक दर्ज को इंस्पायर करें ये करने के लिए, और फ्री में हम लोग मास्क सैनिटाइजर और ये सब दे रहा है ये लोगों को कोविड रुकने के लिए। यही है आज का उद्देश्य है हम लोगों का। क्या नाम है? मैं तो, मेरा नाम तन्मय मिस्त्री है, मैं कोलकाता से आ रहा हूँ, सब बैंक का एम्प्लॉय है मैं, तो हम लोग ही यह अरेंज कर रहे हैं। हे मेरी माँ तू बता, क्या ममता से भी बड़ी है लोकला जो तूने मुझे ठंड में यूं मरने के लिए छोड़ दिया। भागलपुर में कलयुगी मां के कारण फिर से मां बेटे की ममता तार तार हो गई। मामला हबीबपुर थाना क्षेत्र के दाऊदवाट नाथ नगर ब्लॉक रोड का है, जहां सड़क किनारे कार्टन में रखा नवजात का शव मिला है। वहीं शनिवार के अहले सुबह ग्रामीणों ने झाड़ी में फेंके एक कार्टन के पास कुत्तों के झुंड को देखा। इसके उपरांत जब ग्रामीणों ने संशय होने के बाद करीब जाकर देखा तो कार्टन में एक नवजात का शव था जिस पर कुत्तों का झुंड ताबड़तोड़ हमला कर रहा था। फिर क्या था, ग्रामीणों ने वहां से सारे कुत्तों को भगाकर शव को अपने कब्जे में लिया। इसकी जानकारी मिलते ही आसपास के लोग वहां पहुंच गए। इस दौरान हर कोई नवजात की दुर्दशा को देखकर ऐसा करने वाली अज्ञात कलयुगी मां को जमकर खरी खोटी सुना रहा था। इसकी सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय थाने की पुलिस को दी। इसके पश्चात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। इन सब के बीच ये तो तय है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन ऐसा करने वाली नवजात की मां नहीं हो सकती, बल्कि वो एक कलयुगी मां हो सकती है। वहीं इस कपकपाती ठंड में अपनी जान गंवाने वाले नवजात शायद अपनी मां से एक ही बात कहता होगा, हे मेरी मां तू बता, क्या ममता से भी बड़ी है लोकलाज जो तूने मुझे ठंड में यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया। ये यहाँ पे एक बच्चा फेंक दिया है, ये जो है समाज के लिए और प्रशासन के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और इस पे जो है दोनों को मिल करके, समाज और प्रशासन को मिल करके जो है इस पे रोक लगाना चाहिए। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। समाज जो है कलंकित होता है, हमारा हबीबपुर थाना क्षेत्र भी कलंकित होता है, इसलिए इस पे दोनों को मिल करके जो है इसमें सहयोग करना चाहिए। इस तरह का घटना कभी नहीं हो, इस पे सबको अंकुश लगाना चाहिए। ये कहाँ पर घटना है? ये नबिया तला पड़ता है, हबीबपुर थाना क्षेत्र पड़ता है। नबिया तला जी, आप अपना परिचय देंगे? श्याम प्रसाद मंडल, ये जगदीशपुर निकांचल के जनवितरण विक्रय का अध्यक्ष। संस्था प्रहरी के द्वारा ऊर्जा संरक्षण और संवर्धन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए किया नुक्कड़ नाटक।
भागलपुर की सामाजिक संस्था प्रहरी के द्वारा ऊर्जा संरक्षण और संवर्धन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाली चौक पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने आम लोगों से ऊर्जा के संरक्षण को लेकर बिजली के अनावश्यक प्रयोग पर रोक लगाने, ज्यादा वाट के बल्ब की जगह एलईडी का प्रयोग करने और छोटी छोटी बातों पर अमल कर ऊर्जा बचाने की अपील की। इस दौरान संस्था के कुमार शिवम, मोहम्मद शाहनवाज, ललित कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। ऊर्जा संरक्षण का है और इसमें पुराने जो बल्ब जलाए जाते थे 100 वाट के 60 वाट के लाइट बल्ब जो जलाए जाते थे उनकी जगह पे अब एलईडी जलाने की जरूरत है। जितनी आवश्यकता है बिजली की उतना ही लोग इस्तेमाल करें। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हम लोग यानी लोगों को जागरूक करने का ये नुक्कड़ नाटक किया गया है ताकि लोग जो बल्ब जो जलाते हैं 100 वाट का बल्ब जो जलाते थे उसकी जगह पर वो एलईडी जलाएं, ऊर्जा को बचाएं ताकि आने वाले जो समय में हम कम से कम उपयोग कर सकें ऊर्जा की। नाम बताइए। कुमार शिवम, क्या है? सहायक अभियंता भागलपुर। उत्सव काले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारें। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। टीका लगाओ इनाम पाओ कार्यक्रम की हुई शुरुआत। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित DRDA सभागार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीका लगाओ इनाम पाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत टीका लगाने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय पर टीका लगवाने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके बीच कई तरह के गिफ्ट दिए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन DDC प्रतिभा रानी और भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान DDC ने कहा कि तीसरी लहर से बचाव को लेकर जो व्यक्ति अब तक टीकाकरण से वंचित रह गए हैं वे लोग जल्द से जल्द टीका लगा लें, जिससे कोरोना के खतरे से बचा जा सके और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लकी योजना का अंग बनकर लाभ भी उठा सके। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कोविड टीकाकरण जो है राज्य स्तर पर काफ़ी इस पे जोर है और कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण हो और सभी लोगों को जो भी एलिजिबल लोग हैं सभी लोगों को टीकाकरण किया जाए। इसी संबंध में स्वास्थ्य विभाग का ये निर्णय है कि जो लोग समय पर टीका लेते हैं जिस दिन वो एलिजिबल हुए अगर उसी दिन वो सेकेंड डोज भी ले लेते हैं तो उन लोगों को लॉटरी के माध्यम से कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। जो लॉटरी में चुनाए जाते हैं उन सभी लोगों को फिर कुछ प्राइज दिया जा रहा है। कितना है मैडम, कितना पुरस्कृत हुआ है? दो तरह की प्राइस है इसमें, एक बम्पर प्राइस है और एक दूसरा प्राइस है। दोनों में जो डिसाइडेड है आइटम्स वही आइटम्स जो है। कितने लोगों को सम्मान? प्रखंड स्तर पर है 10 लोग हैं अभी यहाँ पे, कुछ लोगों को बुलाकर दिया जा रहा है और अन्य प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर दिया जाएगा। 10 लोग जो है कॉन्सोलेशन प्राइज के लिए और एक जो है वो बम्पर प्राइज। जो नहीं लिए हैं टीका उनसे अपील? हाँ, उन लोगों से भी इसी दिशा में अपील है कि आप लोग भी समय पर अपना टीकाकरण कराएं सभी प्रखंडों में, और जब महाअभियान होता है तो और पंचायत स्तर पर भी रेगुलर स्वास्थ्य विभाग के कैंप लगे रहते हैं, जब भी आप चाहें तो आप टीकाकरण करा सकते हैं अपना। सभी लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि अगर आपने अभी तक टीका नहीं लिया है तो जल्द से जल्द टीका लगवा लें ताकि हम सभी लोग सुरक्षित रहें और कोविड की जो महामारी है उससे हम लोग दूर रहें। आइडा वार्षिक सेमिनार का आयोजन। भागलपुर में आइडा की तरफ से वार्षिक सेमिनार का आयोजन मिर्जान हाट के शीतला स्थान चौक स्थित एक विवाह भवन में किया गया, जिसमें शहर के प्रमुख चिकित्सकों के साथ साथ कोलकाता से कैंसर के 2 स्पेशलिस्ट ने भी इस सेमिनार में शिरकत की है। ये सेमिनार हर एक वर्ष किया जाता था लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना को लेकर ये सेमिनार नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बार फिर से इसकी शुरुआत की गई, जिसमें कोलकाता से आए डॉक्टर्स ने कैंसर रोग को लेकर चिकित्सकों को जानकारी दी एवं इस रोग के इलाज को लेकर डॉक्टर्स को बताया। पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम डॉक्टर कुमार चंद्र सुमन है, IDA आंध्र प्रदेश का मैं प्रेसिडेंट हूं
और ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर साकेत बिहारी शरण जी हैं। और ये आईडीए का हमारा स्टेट मैंने एनुअल फंक्शन होता है, ये हर साल होता है। दो साल से हमारे यहाँ ये ब्रेक अभी लगा हुआ था कोरोना के चलते, इस बार कुछ फ्री हुआ है तो ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। इसमें हमने डॉक्टर हर्षधर को बुलाया है, जो कहाँ के हैं, कोलकाता से हैं, और डॉक्टर श्रेया घोषाल हैं, डॉक्टर श्रेया भट्टाचार्य हैं, वो भी एमडीएस हैं, वो ENT ओंको सर्जन। अच्छा, ENT ओंको सर्जन, वो कैंसर रोग के स्पेशलिस्ट हैं। और इसी विषय पर हम लोगों ने सेमिनार रखा है, और ये ऑर्गेनाइज जो हमारा आईडीए अंग प्रदेश कर रहा है, हमारे आईडीए अंग प्रदेश के प्रेसिडेंट अभी डॉक्टर कुमार हैं, और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर साकेत बिहारी सर। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर कुमार संजय सुमन, आईडीए अंग प्रदेश प्रेसिडेंट। दो पक्षों के विवाद को देखने पहुंचे 17 वर्षीय युवक के सिर में पत्थर मारकर किया घायल। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाई दासपुर गांव में देर रात दो पक्षों में हो रही मारपीट को देखने पहुंचे युवक के सिर में पत्थर से मारकर घायल कर दिया। उसे तत्काल इलाज के लिए ग्रामीण चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां पर सिर में गंभीर चोट लगने से ग्रामीण चिकित्सक ने पट्टी बांधकर इलाज के लिए मायागंज भेज दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दो लोगों के बीच मारपीट हो रही थी, तभी नीतीश वहां पर खड़े थे, उसी में नीतीश को पत्थर से मारकर घायल कर दिया। परिजन को सूचना मिलने पर घायल को नाथनगर थाने ले आए और मारपीट करने वाले मनोज यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। नवगछिया में त्योहार के मौके पर सुंदरम स्वीट से एक अनुपम प्रस्तुति। त्योहार पर सुंदरम स्वीट्स लेकर आया है आपके लिए शुद्ध घी से बने बालाजी लड्डू व कई प्रकार की स्पेशल मिठाइयाँ और नमकीन। अब त्योहारों पर करें एडवांस बुकिंग और पाएं समय पर डिलीवरी, तो आइए, आपका स्वागत है। सुंदरम स्वीट, सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। जन्मदिन की रात्रि ही संदिग्ध अवस्था में युवक का शव बरामद, परिजनों ने लगाया पत्नी पर हत्या का आरोप। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के सुड़ी टोला लेन में अहले सुबह 31 वर्षीय युवक ने अपने जन्मदिन के दिन ही गले में फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मृतक युवक की पहचान मुनीलाल रजक के छोटे पुत्र शैलेंद्र कुमार उर्फ शैलू के रूप में हुई। मृतक की पत्नी नेहा निगम ने पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में बताया कि देर रात उसका पति शैलेंद्र कुमार अपने साथियों के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाकर वापस लौटा, और जब उसने अपने पति से भोजन करने की बात कही तो बाहर भोजन करने की बात कहने लगा, जिसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी अनबन हुई, जिसके बाद शैलू अपने रूम में जाकर सो गया और वो अपने दोनों बेटियों के साथ डाइनिंग हॉल में सो गई। अहले सुबह जब नेहा को ठंड लगने लगी और रूम में जाकर देखा तो पाया कि उसका पति गले में फंदा डालकर लटका हुआ है। आनन फानन में उसने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी और फंदे से झूल रहे पति को उतार कर परिजनों के सहयोग से मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मायागंज अस्पताल पहुंचे मृतक के बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई की पत्नी और उसके परिजनों और सहयोगियों पर भाई की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दिए जाने का आरोप लगाया। मृतक के बड़े भाई विजय रजक ने बताया कि उसके छोटे भाई की पत्नी नेहा निगम का पड़ोस के मोहल्ले के लड़के वतन के साथ अवैध संबंध था, और अवैध संबंध और प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसके छोटे भाई की हत्या कर आत्महत्या का रूप दिया गया। वहीं लड़की के पिता राजू रजक ने भी अपनी बेटी के चरित्र पर उंगली उठाते हुए कहा कि मेरी बेटी का दूसरे लड़के के साथ चक्कर था, लेकिन उनके दामाद ने शराब के नशे में आत्महत्या की है। अब पुलिसिया छानबीन में ही पता चल सकेगा कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। और उसकी वाइफ का भी सुनते हैं चक्कर था। हाँ, उसकी वाइफ का भी अफेयर चल रहा था वतन से पंडित जी का लड़का से। तो मतलब क्या, कैसे जानकारी मिली आप लोग को? हम लोगों को रात में फोन आया, हम तो हुसैनाबाद में रहते हैं, हम लोगों को रात में फोन आया 2 बजे, कैसे से आपका भाई आत्महत्या कर लिया है। तो हम लोग गए, देखे कि पलंग पर पलेटा हुआ था, तो जब पुलिस आया, पुलिस उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल में लाके हम लोग को बुलाया कि मृत्यु हो गया। उसके बाद थाना गए, तातारपुर थाना गए, पुलिस को बुलाए, तो वो पुलिस वाला पूछा लड़की से कि उसको खोला कौन, लड़की खुद खोली है उसकी वाइफ। क्या शक है आपको? हमको शक है कि उसकी वाइफ और उसका ससुराल वाला उसको मिल के मारा गया है। क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार। मृतक का क्या नाम है? शैलेंद्र कुमार उर्फ शैलू। कितने वर्ष पहले शादी हुई थी? 12 में शादी हुई थी। बाल बच्चे हैं? बाल बच्चा है, 2 बेटी है। क्या करना है इसमें?
ये सब उनका दोस्त है, उनके साथ संबंध किया था, आना जाना बना हुआ था, उनके साथ था, दोस्त था इनके। आपको जानकारी है इस मामले में? हाँ जानकारी था, सबों को जानकारी था, घर में हम लोग आए थे खाना खाना मा करके, इस तरह का मीटर था तो दोनों को समझा बुझा कर फिर दोनों रहने लगा फिर बढ़िया से। लड़का के परिवार वालों का आरोप है कि आपकी बेटी ही हत्या करवाई या क्यों है? नहीं नहीं, ये तो कल बर्थडे था, बर्थडे में जो है घर में केक उक कटा, केक उक कटने के बाद फिर जो है चल गए बाहर दोस्त के साथ। मुर्गा व्यवसायी हत्याकांड में प्राथमिकी दर्ज। एहसान हत्या मामले में मृतक के पिता के बयान पर नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पिता अंसारुल हक ने बताया कि गोशाला रोड में मुर्गा फार्म चलाते हैं। शाम 7 बजे दुकान बंद कर नई पल्सर मोटरसाइकिल से तीसरे पुत्र अतहर आलम के साथ बैठकर घर के लिए निकले। मनिया मोड़ के अवध किशोर पासवान के ग्रीन गेट बनाने वाली दुकान से जैसे ही आगे बढ़े पीछे से काले रंग की पल्सर बाइक ओवरटेक कर बाइक को रुकवाया। बाइक पर सवार मोहम्मद संजार आलम, मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद तिखरूर उर्फ इश्तिखार थे। संजार गाली गलौज करते हुए एहसान को गोली मार दिया। गोली दाहिनी आंख के पास लगी। गोली लगते ही एहसान व अतहर बाइक से गिर पड़े। मोहम्मद एहसान को गुफरान व तिखरूर ने नजदीक से सिर पर गोली मार दी। मेरा हल्ला करने पर तीनों आरोपितों ने हम लोगों पर भी गोली चला दी। हम लोग बाल बाल बच गए। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग दौड़े तो तीनों आरोपित बाइक से राजेंद्र कॉलोनी की तरफ भागने लगे, जिसका पीछा रेलवे स्टेशन तक किया, किंतु वो भागने में सफल रहे। इस घटना में मोहम्मद संजार आलम, मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद तिखरूर के अलावा घटना की साजिश रचने में संजार के पिता अंसूर आलम, माँ अंसरी खातून, पत्नी रुखसाना खातून, उजानी के ही साला मोहम्मद इमदाद, मोहम्मद सन्नी, मोहम्मद बाबा उर्फ बबलू, मोहम्मद इम्तियाज हैं। इस घटना से पहले भी संजार आलम ने एक वर्ष पूर्व भवानीपुर टावर चौक के पास मोहम्मद एहसान को गोली मारी थी, जिसमें वो बच गया था। मोहम्मद शमीम को कटिहार जिले के गेड़बारी में गोली मारकर हत्या कर दी थी। झारखंड प्रदेश के साहिबगंज निवासी सुहेल अंसारी को गोली मारकर हत्या की थी, जिसमें वो जेल गया था। जेल से 3 दिन पहले ही बाहर आया है। अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टर्स ने एहसान को देखा तो जांच के उपरांत मृत। अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई जाएगी जयंती। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नवगछिया में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाने अन्य कार्यक्रम को लेकर बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विनोद बंडल ने की। बैठक में सभी बूथ कमेटी का पुनर्गठन करने हेतु मतदाता सूची एवं प्रपत्र सभी प्रखंड अध्यक्षों को दिया। इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष बबलू चौधरी, कौशल जायसवाल, विजय यादव, महामंत्री प्रवेश कुमार यादव, शुभ आशीष कुमार, चंदन कुमार भगत, पंकज कुमार, जिला संयोजक स्वच्छता प्रकोष्ठ आशीष कुमार मौजूद थे। अपनी मांगों को लेकर के शनिवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक दिवसीय धरने का आयोजन। नवगछिया के प्रखंड मुख्यालय में अपनी मांगों को लेकर के शनिवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के नेताओं के द्वारा बताया गया कि 5 सूत्री मांगों को लेकर के धरना दिया गया था, जिसमें खाद एवं बीज की कमी को दूर किया जाए, सरकार इस पर निर्णय में छूटे हुए व्यक्तियों को राशन कार्ड से जोड़े, शिविर लगा करके राशन कार्ड बनाया जाए, बाढ़ कटाव से प्रभावित लोगों के बीच तत्काल ही जमीन का मुआवजा दिया जाए, किसानों को बाढ़ राहत एवं अन्य योजनाओं का लाभ मिले, बाढ़ में हुई फसल की क्षति को लेकर फसल क्षतिपूर्ति किसानों को उपलब्ध करवाई जाए। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में मेन रोड नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में मेन रोड नवगछिया। मुर्गा व्यवसायी हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपित को दबोचा।
मुर्गा व्यवसायी हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि आरोपित महिला मुख्य आरोपित उजानी निवासी मोहम्मद संजार की पत्नी रुखसाना खातून है। महिला के ऊपर हत्या में साजिश रचने का आरोप है। आरोपित महिला को जेल भेजा जाएगा। हत्या की प्राथमिकी में महिला नामजद आरोपित है। अन्य आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं मां की आंखें बार बार दरवाजे को निहार रही हैं कि अब बड़ा बेटा आ जाएगा। एहसान की मां घटना के बाद से बदहवासी है। वो बार बार दरवाजे को निहार रही है कि उसका बेटा आएगा। मां तहमिदा खातून को विश्वास नहीं हो रहा कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं। घर आने जाने वाले हर व्यक्ति से वो पूछती है कि एहसान कब आएगा। पत्नी हुस्न बानो घटना के बाद से बार बार बेहोश हो जाती है। पानी का छींटा चेहरे में मारकर उसे होश में लाया जाता है। होश में आते ही दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। एहसान चार भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके कंधे पर घर की पूरी जिम्मेदारी थी। गौशाला रोड पर भाई के साथ मिलकर मुर्गा फार्म चलाता था। पुत्री मिधत, मिन्नत, पुत्र जीशान, अनमोल तलहत हैं। अपनी माँ व अन्य महिलाओं को रोता देख बच्चे भी रोने लगते हैं।